धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और तीन तलाक जैसे मुद्दों के बाद अब एक नए मुद्दे पर बहस शुरू हो सकती है। अगर किसी महिला ने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया और दूसरी शादी की, लेकिन पहले से ही बच्चे हिंदू हैं, तो महिला की संपत्ति पर किसका हक होगा? महिला के तमाम नौकरी वाले लाभों पर आखिर किसका हक होगा? इस सवाल पर लोगों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट के हिसाब से महिला मुस्लिम हो गई तो हिंदू बच्चों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ फैसला हुआ है गुजरात की एक अदालत में। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात की एक कोर्ट में तीन बहनों ने मिलकर अपनी माँ के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने माँ की मौत के बाद रिटायरमेंट का लाभ उन्हें दिए जाने की मांग की थी। लेकिन उनकी माँ ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और बेटियाँ हिंदू धर्म से संबंध रखती थी, तो अदालत ने फैसले में कहा कि मुस्लिम विरासत कानूनों के मुताबिक हिंदू बच्चे माँ की संपत्ति के वारिस नहीं हो सकते। चलिए अब आपको पूरी घटना बताते हैं। गुजरात में रहने वाली रंजन त्रिपाठी की तीन बेटियां थीं। जब उनकी तीसरी बेटी गर्भ में थी तो उनके पति का निधन हो गया। रंजन के पति भारत संचार निगम लिमिटेड में काम करते थे और उनकी मौत के बाद रंजन को अपनी पति की जगह BSNL में क्लर्क की नौकरी मिल गई। तीसरी बेटी के जन्म के बाद रंजन ने अपनी तीनों बेटियों को उनके पैतृक परिवार के पास छोड़ दिया और खुद एक मुस्लिम शख्स के साथ रहने लगी। साल 1990 में तीनों बेटियों ने अपने माँ पर परित्याग के आधार पर मेंटेनेंस का केस दर्ज किया। इस केस में बेटियों को जीत भी मिली। इसके बाद साल 1995 में रंजन ने इस्लाम धर्म अपना कर मुस्लिम शख्स से शादी कर ली। मुस्लिम व्यक्ति से शादी के बाद रंजन ने अपना आधिकारिक नाम रेहाना मालिक कर लिया। शादी के बाद रंजन उर्फ रेहाना ने एक बेटे को जन्म दिया और सर्विस रिकॉर्ड में अपने बेटे को ही नॉमिनी बनाया, यानी कि उनकी मौत के बाद PF, ग्रेच्युटी, बीमा और अन्य लाभों पर उनके बेटे का हक होगा। जब साल 2009 में रंजन उर्फ रेहाना का निधन हुआ तो उनकी तीनों बेटियों ने अपनी माँ की PF, ग्रेच्युटी और अन्य लाभों पर अधिकार होने का दावा किया और सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन अदालत ने अब ये कहते हुए उस दावे को खारिज कर दिया कि अगर मृतक की मां मुस्लिम थी तो उत्तराधिकारी हिंदू नहीं हो सकते। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में सिविल कोर्ट ने नैना फिरोज खान पठान उर्फ नसीम फिरोज खान पठान मामले पर हाई कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सभी मुसलमान मोहम्मदन कानून का पालन करते हैं, भले ही वे इस्लाम में परिवर्तित होकर गए हों। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि हिंदू विरासत कानूनों के मुताबिक भी बेटियां अपनी मुस्लिम माँ की संपत्ति में कोई हक नहीं रखती। अब ये केस नई बहस छेड़ सकता है। देखने वाली बात होगी कि हिंदूवादी विचारधारा के ग्रुप इस फैसले पर किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।